मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर एक लम्हा जिंदगी का ये इम्तहान होता है। डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता है इस जिंदगी में, डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता है इस जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में ही जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में ही जहान होता है। जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही मज़ेदार टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अर्थात मानव के नर प्रजनन या जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो आज के इस टॉपिक में हम बहुत ही इजली, बहुत ही सिंपल वे में मानव के नर जनन तंत्र के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक, कंप्लीट वीडियो को देख लेना, कंप्लीट वीडियो को देखना। देखिए मित्रों, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें कौन कौन से अंग प्रमुख हैं और किसके क्या कार्य हैं, इन सब को हम डिटेल में जानेंगे। तो इस नर जनन तंत्र के विषय में अध्ययन करने से पहले हम जो है जनन को समझें कि आखिर जनन क्या है, प्रजनन क्या है। तो सिंपल, आपको पता है कि इस पृथ्वी पर जितनी जीव जातियां पाई जाती हैं, ये जीव जातियां कहाँ से आई, कैसे आती हैं, कैसे जो है हमारे इर्द गिर्द जो है दिखाई देती हैं। जैसा कि आपको पता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर पाई जाने वाली जितनी जीव जातियां हैं, सभी जीव जातियां अपने जन्म से लेकर के अपने मृत्यु तक भोजन के लिए, शत्रु से बचने के लिए और जो है रहने के लिए संघर्ष करती हैं, आवास के लिए संघर्ष करती हैं। इन्हीं संघर्षों के बीच ये जीव जातियाँ इस पोषण की क्रिया में जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करती हैं, पोषित करती हैं, इन्हीं भोज्य पदार्थों का पोषण की क्रिया तथा उपापचय की क्रिया के फलस्वरूप जंतु शरीर को ऊर्जा मिलती है और इसी ऊर्जा के द्वारा जंतु शरीर के समस्त जैविक तथा दैनिक कार्य संपन्न कराए जाते हैं और समस्त जीवधारी इसी ऊर्जा को पा करके अपने मरने से पहले अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करने में लगाते हैं। इस प्रकार एक जीवधारी के द्वारा अपनी मृत्यु से पहले अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करना, नए जीव को जन्म देना, नए जीव को पैदा करना ही जनन या प्रजनन कहलाता है। तो इसमें ये जो प्रजनन अथवा जनन होता है तो कई विधियों में होता है, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें लैंगिक जनन की क्रिया में जो नर तथा मादा, जो मेल तथा फीमेल भाग लेते हैं, इसमें जो मेल हैं, जो मानव के नर जनन तंत्र हैं, इसका हम आप अध्ययन कर रहे हैं, इसको हम आप देखेंगे। तो इस जो है इस वीडियो में जो मानव का नर जनन तंत्र है, इनके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं और इनका कार्य क्या है, इसको हम डिटेल में देखेंगे, इसको हम डिटेल में जानेंगे। तो पहला हमको मिला वृषण, हम यहाँ वृषण से शुरू कर रहे हैं। वृषण देखिए, तो पहला मिलता है वृषण, जिसे टेस्टिस कहा जाता है। तो ये जो वृषण है, ये वृषण नर जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है। यह नर मानव में एक जोड़ी सेम के बीज के आकार की संरचना में पाया जाता है, जो एक थैली नुमा संरचना में बंद रहता है। इस थैली नुमा संरचना को वृषण कोष कहा जाता है और यही वृषण कोष ही इस वृषण को सुरक्षा प्रदान कराता है, इस वृषण को जो है सुरक्षित रखता है। तथा यह वृषण मानव का वह जननांग है जो शरीर के बाहर रहता है। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये मानव के नर जनन तंत्र में वृषण जो है मानव शरीर से बाहर क्यों रहता है। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है वह यह है कि ये जो हमारा शरीर है, ये हमारे शरीर का तापमान, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो इस टेम्परेचर पर जो है शुक्राणु जो होते हैं वो नष्ट हो सकते हैं।
इस वृषण के द्वारा निर्मित होने वाले जो शुक्राणु होते हैं इस टेम्परेचर पर, इस हमारे शरीर के तापमान पर नष्ट हो सकते हैं, निष्क्रिय हो सकते हैं। इसलिए जो है प्रकृति वृषण को हमारे शरीर से बाहर रखती है, और ये वृषण जो है क्या करता है कि बाहर की वायु को अवशोषित करके शुक्राणु को एक निश्चित टेम्परेचर देता है अथवा उसके ताप को नियंत्रित करता है। शुक्राणुओं को सुरक्षित रखने के लिए, शुक्राणुओं को निष्क्रिय होने से बचाने के लिए अथवा शुक्राणु के ताप को नियंत्रित करने के लिए वृषण जो होता है हमारे शरीर से बाहर होता है। मानव के नर जननांग में इसका मुख्य कार्य होता है तरल चिपचिपे पदार्थ का श्रावण करना। इस तरल चिपचिपे पदार्थ को शुक्राणु कहा जाता है। तो इस प्रकार हम यहाँ देखें तो सिंपल है, मानव शरीर में एक जोड़ी सेम के बीज के आकार की, सेम के बीज के आकार का होता है, आकार का होता है, तथा यह एक थैली नुमा संरचना में बंद रहता है जिसे वृषण कोष कहा जाता है, वृषण कोष कहा जाता है। यही वृषण कोष ही वृषण को सुरक्षा प्रदान कराता है, एक आवरण देने का कार्य करता है। और देखें तो इस वृषण का जो मुख्य कार्य होता है वह शुक्राणु का निर्माण करना होता है, शुक्राणु का निर्माण कराता है। वृषण का हम मानव शरीर से बाहर रहने का एक और कारण होता है कि शुक्राणुओं के बनने के लिए कम तापमान की जरूरत होती है, और इसलिए वृषण शरीर से बाहर रहता है। और ताकि जो है वृषण बाहर की वायु को अवशोषित करके जो है अपने ताप को नियंत्रित कर सके और शुक्राणुओं का निर्माण कर सके। जबकि इसका एक अपवाद मिलता है हाथी, तो हाथियों में देखेंगे तो हाथियों में जो वृषण होता है उनके शरीर के अंदर होता है, और मनुष्य में देखें तो मनुष्य में भ्रूणावस्था में, मानव में भ्रूणावस्था में ये जो वृषण होते हैं वो शरीर के अंदर होते हैं, जबकि वयस्क अवस्था में शरीर से बाहर आ जाते हैं, शरीर के बाहर होते देखे जाते हैं। यदि इसी वृषण को काट दिया जाए तो सारा पिक्चर खत्म। कहने का मतलब पुरुष तो रहेंगे वो, लेकिन उनका पुरुषत्व तो खत्म हो जाएगा, वो लाइफ में बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं। तो यह ही पुरुष का नर जनन तंत्र वृषण है, जो पुरुष का मुख्य नर जनन तंत्र माना जाता है या मानव का प्रमुख जनन तंत्र माना जाता है। अगला है अधिवृषण, एपिडिडमिस, अधिवृषण, यहाँ देखें अधिवृषण, एपिडिडमिस, एपिडिडमिस, इसको जाने तो ये वृषण के ऊपर की ओर, इस वृषण के ऊपर की ओर पाई जाने वाली एक संरचना होती है, और यहाँ पर शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। कहने का मतलब है कि इस फिगर में देखिए, इस चित्र में देखिए, तो ये जो वृषण है, इस अभी आपको बताया गया कि वृषण का जो मुख्य कार्य है वह क्या है, शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन का निर्माण होता है, श्रावण होता है। तो शुक्राणु और जो है बनने वाले जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है, इसी अधिवृषण द्वारा जो है शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, मैचुरेशन होता है। तो सिंपल है कि जो अधिवृषण होता है यह अधिवृषण वृषण के ठीक ऊपर पाई जाने वाली एक संरचना होती है, जो वृषण द्वारा बनाए गए शुक्राणुओं को परिपक्व कराने का कार्य करती, मैचुरेशन कराती है, परिपक्वन कराती है। ये जो अधिवृषण होते हैं ये बहुत ही महीन नलिका के रूप में पाए जाते हैं, अथवा बहुत ही पतली महीन नलिकाओं के जाल जैसी संरचना के रूप में वृषण के चारों ओर पाए जाते हैं, चारों ओर लगे रहते हैं, देखे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर अधिवृषण को समझें तो अधिवृषण जो होता है, इस अधिवृषण का कार्य जो होता है, अधिवृषण का कार्य
शुक्राणुओं को परिपक्व कराना तथा महीन नलिका के रूप में वृषण को चारों तरफ से घेर कर सुरक्षा प्रदान कराना होता है। घेर कर है। अगला है, तो अगला देखेंगे यहां से। तो शुक्रवाहिनी वास डिफरेंस, यह वृषण और अधवृषण में बनने वाली शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाने वाली नलिका होती है। यह वृषण और अधिवृषण में बनने वाले शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाने वाली नलिका होती है। अर्थात ये शुक्रवाहिनी जो यहाँ देख रहे हैं, ये शुक्रवाहिनी जब इस वृषण में और अधवृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो ये शुक्राणु जो है इसी सूक्ष्म नलिका द्वारा सीधा इस शुक्राशय में आकर के, जो हरे रंग का दिखाई दे रहा है शुक्राशय है, इसी शुक्राशय में आकर के इकट्ठा होते हैं। कहने का मतलब है कि इस वृषण तथा अधवृषण में बनने वाले जो शुक्राणु होते हैं, तो इसी शुक्राणु को जो है, ये शुक्राणु जो है इसी शुक्रवाहिनी नलिका के द्वारा इस शुक्राशय तक पहुंचते हैं। तो इस प्रकार ये शुक्रवाहिनी नलिकाएं शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाने का कार्य करती हैं। आगे है शुक्राशय सेमिनल वेसिकल। ये शुक्राशय एक ग्रंथिल थैली नुमा संरचना होती है तथा इसमें एक विशेष प्रकार के द्रव का निर्माण होता है, जिसे शुक्र द्रव कहा जाता है। लंबे समय तक इसी से शुक्राणु को भोजन मिलता रहता है और इस प्रकार जो है शुक्राणु एक्टिव रहते हैं। अर्थात इस शुक्राशय में शुक्र नलिकाओं के द्वारा शुक्राणु आकर के इकट्ठा होते हैं और इसी शुक्राशय में शुक्रद्रव के द्वारा जो है शुक्राणुओं को भोजन मिलता है और जिसके कारण शुक्राणु सक्रिय रहते हैं, जीवित रहते हैं। तो ये जो शुक्राशय का कार्य है, ये शुक्राशय जो है शुक्राणुओं को लंबे समय तक संरक्षित कराते हैं तथा शुक्र द्रव के द्वारा इनको जीवित रखते हैं। अगला है मूत्रवाहिनी, जिसे यूरेथ्रा कहा जाता है। ये मूत्रवाहिनी भी शुक्रवाहिनी की तरह पतली सकरी नलिका होती है, जो मानव के नर जननांग के शिश्न से लेकर मूत्राशय तथा शुक्राशय तक फैली होती है। यह एक मूत्राशय तथा शुक्राशय तक, यहाँ देखिए ये जो है मूत्राशय है इस मूत्राशय की भी तरफ और ये जो है शुक्राशय की भी तरफ। तो यह जो है इस प्रकार यह मूत्राशय तथा शुक्राशय तक फैली रहने वाली नलिका होती है, इसलिए इस नलिका को उभयनिष्ठ नलिका भी कहा जाता है। तो ये मूत्रवाहिनी नलिकाओं का कार्य जो होता है,
ये जो है शुक्राशय में इकट्ठा शुक्राणुओं को भी जो है क्या करती है, बाहर लाने का कार्य करती है, स्पर्म को जिसे कहते हैं, और मूत्राशय में इकट्ठा जो है मूत्र को भी जो है बाहर लाने का कार्य इसी एक ही नलिका के द्वारा होता है। इसीलिए जो है एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न देता है कि मानव के मूत्रो जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। जब मूत्रो जनन तंत्र कह देता है तो उसी में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वर्णन करना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वर्णन करना है, और समझ नहीं पाते हैं। जबकि कारण क्या होता है, ये जो मूत्रो जनन तंत्र है तो मूत्रो जनन तंत्र जो है मानव के नर जनन तंत्र को कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इसी नलिका के द्वारा जो है स्पर्म भी बाहर आते हैं और इसी नलिका के द्वारा जो है उत्सर्जन की क्रिया में जो है यूरिन अथवा जिसे आप मूत्र कहते हैं ये मूत्र भी शरीर से बाहर निष्कासित किए जाते हैं। तो ये जो मूत्र वाहिनी नलिकाएं होती हैं, इस मूत्र वाहिनी नलिका का कार्य जो होता है वह जो है शुक्राणु तथा तथा मूत्र को शरीर से बाहर निष्कासित कराने का कार्य करती, निष्कासित कराती है, निष्कासित है, निष्कासित कराती है, तथा यह एक उभयनिष्ठ नलिका होती है, नलिका होती है। अगला है शिश्न, शिश्न पेनिस। शिश्न एक बाह्य जनन अंग होता है, ये एक सहायक जनन अंग के रूप में कार्य करता है। ये जो शिश्न है शिश्न एक सहायक जनन अंग होता है तथा एक सहायक जनन अंग के रूप में कार्य भी करता है, जो शुक्राणुओं को मादा जनन अंग तक पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थात इस जो शिश्न का कार्य है, ये शिश्न जो है मानव के नर जननांग में एक सहायक जनन अंग का कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है इस शुक्राशय में इकट्ठा जो शुक्राणु होते हैं इस मूत्र वाहिनी नलिका की सहायता से शिश्न में पहुंचते हैं, इस पेनिस में पहुंचते हैं। तो यह पेनिस उस जो है शुक्राणु को जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात तो मादा जनन अंग तक इन शुक्राणुओं को जो है पहुंचाने का कार्य करता है। यही शिश्न ही है, यही पेनिस ही है जो क्या करता है शुक्राणु को मादा की वेजाइना में स्खलित कराता है, और यह शुक्राणु जो है वेजाइना से यूट्रस के फालोपियन नलिकाओं द्वारा यूट्रस तक पहुंचा दिया जाता है, गर्भाशय तक भेज दिया जाता है। तो ये जो है शुक्राणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है, जो एक सहायक जननांग या अथवा एक बाह्य जनन अंग कहलाता है। तो इस शिश्न का जो कार्य होता है, इस शिश्न का कार्य शुक्राणु को शुक्राणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगला है प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। इसको देखें, इसके पहले आप मानव के नर जनन अंगों में उनके मुख्य जनन अंगों का अध्ययन किए, उनके मुख्य जनन अंगों को देखे जिसमें आपको वृषण मिला, अधिवृषण मिला, शुक्राशय मिल गया, मूत्राशय, शुक्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी और शिश्न का अध्ययन किए। अब इसके अतिरिक्त कुछ सहायक ग्रंथियां भी होती हैं। ये सहायक जो ग्रंथियां होती हैं ये दो ग्रंथ के रूप में अथवा दो सहायक ग्रंथ के रूप में पाई जाती हैं। एक आपका ये प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो इस प्रोस्टेट ग्रंथि को समझें तो ये प्रोस्टेट ग्रंथियां जो होती हैं मानव के नर जननांगों में एक तरल चिपचिपे रंग के पदार्थ का स्राव करती हैं जो मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है, जो
मूत्र मार्ग मतलब ये मूत्र वाहिनी, इसी मूत्र वाहिनी को जो है चिकना बनाता है। देखिए प्रोस्टेट ग्रंथियां जो होती हैं इसी मूत्र वाहिनी के चारों तरफ ऐसे लगी होती, जो रेड कलर में यहाँ दिखाया गया है। तो ये जो है ये मूत्र वाहिनी के समीप ही, मूत्र वाहिनी के चारों तरफ प्रोस्टेट ग्रंथियां लगी होती हैं। एक विशेष प्रकार के तरल चिपचिपे पदार्थ को स्रावित करती हैं और वह तरल चिपचिपा पदार्थ जो है क्षारी होता है। तो इसी क्षारी चिपचिपे पदार्थ के कारण ये जो मूत्र वाहिनी होती है, ये मूत्र वाहिनी जो है स्नेहक के रूप में रहती है, अर्थात चिकनी बनी रहती है। हाँ, इसके अतिरिक्त जो क्षारी पदार्थ होते हैं शुक्राणुओं को नष्ट होने से भी बचाने का कार्य करते हैं, मरने से बचाते हैं। दूसरा सहायक जनन अंग जो होता है, यहाँ पर दूसरा सहायक जनन अंग देखें तो दूसरा सहायक जनन अंग, दूसरा सहायक जनन अंग, तो दूसरे सहायक जनन अंग की बात करें तो ये मलाशय ग्रंथि के पास में स्थित होता है। मलाशय ये पोर्शन जो यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये मलाशयी भाग होता है, ये मलाशय का रेक्टम का पोर्शन होता है। इसी रेक्टम के पास जो है एक विशेष प्रकार की ग्रंथि स्थित होती है, ग्रंथि पाई जाती है। दूसरा सहायक जनन अंग होती है वो जो है मलाशय ग्रंथि, वो भी जो है मलाशय ग्रंथ में स्थित होती है, तथा ये एक विशेष प्रकार के गंध को श्रावित करती है अथवा एक विशेष प्रकार के गंध वाले पदार्थ का श्रावण करती है, श्राव करती है। तब जो मेल तथा फीमेल को एक दूसरे के करीब लाता है, मतलब इसी जो है जो विशेष प्रकार के गंध को ये श्रावित करती है, ये जो है नर और मादा को एक दूसरे के जो है कांटेक्ट में लाने का कार्य करता है, एक दूसरे के प्रति जो है आकर्षण का केंद्र बनाता है, आकर्षण का केंद्र होता है। तो इस प्रकार जो दूसरा सहायक जनन अंग होता है वे जो है मलाशय, बताए ना कि ये जो है इतना जो भाग होता है मलाशयी भाग होता है, इसके ठीक पीछे जो है मलाशय होता है, रेक्टम होता है। तो इसी रेक्टम के, इसी मलाशय की जो ग्रंथियां हैं, इस मलाशय की ग्रंथियों में जो है दूसरा सहायक जनन अंग होता है, ये जो है विशेष प्रकार के गंध को श्रावित करते हैं। इसी विशेष प्रकार के गंध के द्वारा ही मेल फीमेल को और फीमेल मेल के प्रति जो है अट्रैक्ट होती है। तो यह वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अपलोड किए हैं, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी यूजफुल है, जिसे आप रफ और पेन ले करके लिख डालिए और अच्छे से उसको समझ लीजिए, अच्छे से जान लीजिए, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क मिल सके, अच्छा अंक आप प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।